बच्चों, आप कभी पार्क तो घूमने गए ही होंगे, या किसी दूर सुदूर जंगल में भी आप पिकनिक मनाने के लिए गए होंगे, और वहाँ आपने विभिन्न प्रकार की जो झाड़ियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो ज़रूर देखे होंगे। हाँ, और साथ ही साथ आप अपने घरों में भी गमलों में कुछ पौधे लगाते होंगे, या कुछ लताएं और छोटी छोटी झाड़ियाँ भी आपने अपने घर के आसपास ज़रूर देखी होंगी। और इसी प्रकार की जो पेड़ पौधे हैं या झाड़ियाँ हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति हैं, वो आप अपने स्कूल के आसपास भी देखते होंगे। आपकी शाला में भी पौधारोपण का कार्यक्रम होता ही होगा, इसमें अलग अलग प्रकार के पौधों को आप लगाते होंगे। तो क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि जब आप जंगल घूमने गए हैं या पार्क आप घूमने के लिए गए हैं, वहाँ मिलने वाली वनस्पतियाँ जो हैं, पेड़ पौधे या झाड़ियाँ, जिनकी भी हम बात करें, और जो घर में आप गमलों में जो पौधे लगाते हैं, ये क्या एक जैसे होते हैं या इनमें कोई अंतर होता है? जरा विचार कीजिए। आज हमारा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। तो आज हम विस्तृत रूप से इसी प्राकृतिक वनस्पति पर चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, और हमारा जो एक विशाल देश है, यहाँ पर ये किस किस प्रकार से पाई जाती है, और इनमें क्या विविधताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो ये विविधता मिलती है, इसका इसके पीछे कारण क्या है, और जो प्राकृतिक वनस्पति है वर्तमान में हम देखें, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, तो इसकी उपयोगिता क्या है, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या समस्याएं इस संसाधन के साथ वर्तमान समय में उत्पन्न हो रही हैं, और इसका संरक्षण कैसे किया जाए, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों, हमारा भारत जो है वो एक विशाल देश है, और इस विशाल देश में, जैसे अभी मैंने बात की कि चाहे आपकी शाला हो, घर हो, मैदान हो, या आप कहीं जंगल घूमने गए हैं, इन सभी जगहों पर जो वनस्पतियां मिलती हैं उनमें बहुत विविधता जो है वो देखने को मिलती है। फिर ये तो आपके घर के आसपास की बात हो गई, जहाँ तक आप पहुँच पाते हैं। अब जब हम भारत जैसे विशाल देश की बात करेंगे, जहाँ पर बहुत ऊँची ऊँची पर्वत चोटियाँ, विशाल पठार, समुद्र तटीय मैदान, कुछ दलदली क्षेत्र और कुछ मरुस्थली क्षेत्र, इन सब की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी जो वनस्पतियाँ मिलती हैं, जो पेड़ पौधे, जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो झाड़ियाँ उगती हैं, उनमें बहुत सारी विविधताएँ जो है वो देखने को मिलती हैं। आप यहीं पर चले जाइए, अपने देश के उत्तर के हिमालय की ओर चले जाते हैं हम, और हिमालय में भी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें जो मिलने वाली वनस्पतियां हैं, या जो पौधे वनस्पतियां प्राकृतिक रूप से वहां पर उगती हैं, उसमें हमें विविधता देखने को मिलती है। तो सिर्फ हम जब पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, और उस पर्वतीय क्षेत्र में भी जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो भी इसमें हमें विविधता मिलती है। फिर हम आ जाए थार के मरुस्थल में, तो आपको देखने को मिलेगा कि थार के मरुस्थल में तो बहुत ही कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, और जब हम दलदली क्षेत्र में आ जाएं, चाहे वो कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, इन नदियों का डेल्टाई क्षेत्र हो, या गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, ये जो एक दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर मिलने वाली मैंग्रोव वनस्पति से भी हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि हम पर्वतों में जाते हैं, तो हमें शंकुधारी वृक्ष या अल्पाइन वनस्पति मिलती है, और जब हम मरुस्थली क्षेत्र में आ जाएं, तो हमें वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, और यदि हम दलदल में आ जाएं, तो हमें वहाँ पर मैंग्रोव टाइप की वनस्पतियाँ मिलती हैं। तो भारत एक विशाल देश है, और यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें भी बहुत विविधता देखने को मिलती है, और इस स्थलाकृति के आधार पर ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मिलने वाली जो वनस्पतियाँ हैं, या उन वनस्पतियों में, उन वनीय क्षेत्र में जो जैव समुदाय निवास करता है, उसमें भी बहुत विविधता हमें मिलती है।
तो हम कारण की भी बात करेंगे कि ये विविधता क्यों मिलती है, लेकिन सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होंगे। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में, हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व के जो 12 जैव विविधता वाले देश हैं, जहाँ पर जो हम कहें कि विश्व के सबसे ऊपरी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, उन 12 जैव विविधता वाले देशों में से हमारा भारत भी एक है। हाँ, इसके बाद हम एक बात और देखते हैं कि भारत में आपको विश्वास नहीं होगा कि कुल 41,000 प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। 41,000, इतनी वैरायटी की जो वेजिटेशन है या इतने प्रकार की वनस्पतियाँ हमारे भारत में मिलती हैं, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारा भारत भी जो है वो इन 12 जैव विविधताओं वाले देश में शामिल है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और इसी कारण से हम देख रहे हैं ये जो इतनी जैव विविधता मिलती है, जो इतनी वैरायटी की वनस्पतियां हमारे देश में मिलती हैं, और इसी आधार पर हम देखेंगे कि हमारा भारत जो है वो विश्व में 10वें स्थान पर है, और जब हम एशिया महाद्वीप की ही बात करें तो एशिया में ये 4थे स्थान पर है। यहाँ पर लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। आपको पता होगा, आप अपने घर में भी देखते होंगे, आसपास के क्षेत्रों में भी देखते होंगे, कि जरूरी नहीं है कि सभी पौधों में फूल आते हों। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें फूल नहीं आते, और कुछ पुष्पी पौधे होते हैं, मतलब जिनमें फूल आते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं। तो हमारे देश में कुल 15,000 फूलों वाले पौधे मिलते हैं, और इन जो फूलों वाले पौधे, जो 15,000 की संख्या हमारे देश में मिल रहे हैं, तो जब हम इन 15,000 की बात करें तो ये पूरे विश्व में जितने भी फूलों वाले पौधे मिलते हैं उसका 6% जो है वो हमारे भारत में है। मतलब ये कुल 15,000 जो संख्या है, यदि हम इसे प्रतिशत में देखें तो ये विश्व में 6% जो है मिलता है। ये जो वैरायटियां हमने फूलों वाले पौधों की देखी, इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि देश में बहुत सारे जो हैं वो ऐसे पौधे भी हैं जिनमें पुष्प नहीं आते, फूल नहीं होते।
इसमें से कुछ की जैसे हम बात करें, जैसे फर्न है, शैवाल है मतलब एलगी जिसे हम कहते हैं, और कवक है जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे जिसमें फूल नहीं आते ऐसे भी वनस्पतियां हमें मिलती हैं। अब भारत में लगभग, जब हम जीवों की बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में लगभग 90,000 जो है वो जीव समुदाय मिलता है। इसमें भी बहुत सारी वेराइटियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के जीव समुदाय हमें देखने को मिलते हैं। उसमें कुछ जानवर हो जाएंगे, कुछ पशु, कुछ पक्षियाँ, ये इसमें भी हमें वेराइटी मिल रही है। और वेराइटी कितनी, कुल 90,000 की। अब इसमें जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भी शामिल हैं, बच्चों आपको ये तो पता ही होगा, जब हम मछलियों की बात करते हैं, इसकी वैरायटी की बात करते हैं, तो इन मछलियों में भी हम देखेंगे कि कुछ ताजे जल में मिलती हैं और कुछ खारे पानी वाली मछलियाँ होती हैं। तो जब जो समुद्रों में मिल रही हैं, हमें पता है समुद्र का जल जो है वो खारा होता है, तो यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाएंगी वो खारे जल वाली होंगी, और नदियों का जल स्वच्छ होता है, मीठा होता है, तो वहाँ पर जो मछलियाँ होंगी वो मीठे पानी में मिलने वाली मछलियाँ होंगी। और भी बहुत सारी वेराइटियाँ जो है वो मछलियों की हमारे देश में देखने को मिलती हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो हमारे भारत की जैव विविधता से संबंधित हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये छोटे प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के मामले में हमारा भारत, पूरे विश्व में भी पूछा जा सकता है कि विश्व में कौन से स्थान पर है, या एशिया में ये कौन से स्थान पर है, या इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत में कुल कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, कुल कितने प्रकार की पुष्पी पौधे मिलते हैं, इस प्रकार के। तो आपको इन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से भी तैयार करना है। अब हम बार बार वनस्पति की बात कर रहे हैं और हमने कहा कि इस चैप्टर में हम नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति पर चर्चा करेंगे, तो प्रश्न यह उठता है कि प्राकृतिक वनस्पति हम कहेंगे किसे। चैप्टर की शुरुआत में ही हमने एक चर्चा की थी कि अगर आप जंगल गए होंगे या किसी उद्यान में गए हैं, या फिर आप अपने घर में गमलों में पौधे देखते हैं, या आपने स्कूल में लगाए गए वृक्षारोपण के दौरान, या आसपास जो उसमें वहाँ पर जो पेड़ पौधे या झाड़ियाँ मिलती हैं, तो क्या इन सभी को हम प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे? नहीं। जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो उसमें जो उद्यान है, या कृषि के माध्यम से जो हमने पौधे लगाए हैं, या हमारे घरों में जो गमलों में हमने पौधे लगाए हैं, इन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति में शामिल नहीं कर सकते। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक वनस्पति ऐसी वनस्पतियाँ या वनस्पति, या हम कहें कि ऐसे पेड़ पौधे, वृक्ष, झाड़ियाँ या लताएँ इसमें शामिल हैं जो प्राकृतिक रूप से उगती हैं। इसमें किसी भी प्रकार से मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, इसे हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पेड़ पौधों, वृक्षों, झाड़ियों या लताओं का एक ऐसा समुदाय जो बिना मानव के हस्तक्षेप के स्वयं उगता है, जिसमें मानव का कोई इंटरफेयर नहीं होता, जो नेचुरली ग्रो करता है, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये आपके छोटे प्रश्न के रूप में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है, परिभाषित कीजिए। अब हमने देखा कि इस प्राकृतिक वनस्पति में मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं होता, तो जब हम घरों में या अपने स्कूलों में या जो उद्यान, जहां पार्क हम घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां पर जो वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा उगाए जाते हैं, इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप होता है। अब बच्चों, क्या आप जानते हैं, इन पौधों की भी जब हम बात करते हैं
तो इसमें एक टर्म्स यूज होता है, देशज और विदेशज। देशज वनस्पतियां नाम से ही पता चल रहा है कि जो मूल रूप से भारत का पौधा है या भारत की वनस्पति है, भारतीय मूल का पौधा है, उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं। और विदेशज मतलब जो बाहर से लाकर, दूसरे देशों से लाकर हमारे देश में फैल गया है, उसे हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। और ये विदेशज वनस्पति की एक विशेषता ये होती है कि ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो देशज वनस्पतियाँ होती हैं उनके ऊपर, वो जीव समुदाय या कोई वनस्पति समुदाय की हम बात कर रहे हैं, तो ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके ऊपर हावी हो जाते हैं और इवन वो उन्हें नष्ट भी कर देते हैं, ये इतनी तीव्रता से फैलते हैं। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे देशज वनस्पतियां हैं, जैसे आप अपने छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले साल, सागौन और शीशम, नीम, ये सभी वनस्पतियों से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ये हमारे भारतीय मूल की वनस्पतियां हैं। तो बच्चों, भारत में ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, कोई घर का आंगन नहीं होगा जहां पर आपको तुलसी का पौधा ना देखने को मिले। तुलसी की हम पूजा तो करते ही हैं और ये एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा भी है, ये हमारे भारतीय मूल का पौधा है। हाँ, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी अभी एक त्योहार गया है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का साल में पड़ने वाला सबसे पहला त्योहार है। आपके दिमाग में अब बात आ ही गई होगी, कौन से त्योहार की मैं बात कर रही हूँ? हरेली। जी हाँ, हरेली। तो हरेली के त्योहार में आप देखते होंगे कि हर घर में नीम की जो डालियां हैं वो लगाई जाती हैं, ये इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। तो नीम के इस पौधे से भी आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि इसके औषधीय गुण की जब हम बात करें तो ये तो अपार औषधीय गुणों से भरपूर है ये पौधा नीम का। स्वाद में जरूर बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसके औषधीय गुण जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मैं देशज वनस्पति की बात कर रही हूँ तो इन दोनों ही पौधों से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो बच्चों, ये वनस्पतियाँ जो हैं ये हमारे भारतीय मूल के पौधे हैं और हम इसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि देशज वनस्पति क्या है। और बच्चों, आपके छत्तीसगढ़ में जो बहुतायत से पाया जाता है साल और सागौन, ये भी आपकी देशज वनस्पतियां हैं। और इस संदर्भ में तो आपको पता ही होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो इन वनस्पतियों से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। तो ये सभी हमारी क्या है? देशज वनस्पतियां हैं। अब हम बात कर ले विदेशज वनस्पति की। तो मैं आपको ऐसे कुछ अच्छे उदाहरण देती हूँ जिन वनस्पतियों से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे और आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक कर जाएगी कि हाँ, कौन से पौधे जो हैं वो विदेशज वनस्पति के अंतर्गत आएंगे। पहली बात, हम इसे किसे कहते हैं ये समझ लें। तो ऐसे पौधे या झाड़ियाँ या वनस्पतियों की जब हम बात करें तो हम ऐसी वनस्पतियाँ जो भारतीय मूल की ना हो, विदेशों से जो वनस्पतियाँ लाई गई हैं उन्हें हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। जैसे कि आप अपने घर के आसपास जो खाली जमीन पड़ी हुई होती है या कोई दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पर एक आप बैगनी कलर की लाइट बैगनी कलर में एक फूल देखते होंगे, शायद आपको ध्यान में आ गया होगा, जिसे आप बेशरम का पौधा कहते हैं। और बेशरम का पौधा इसलिए क्योंकि ये कहीं भी उगाती है। और जब हम इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसे आइपोमोइया कार्निया के नाम से जाना जाता है। ये आपके कहीं भी उगने वाली ये जो वनस्पति है, ये आपके भारतीय मूल की नहीं है, ये आपके भारतीय मूल का पौधा नहीं है।
कहा जाता है या ऐसा माना जाता है, सुनने में आता है कि हमारे भारत से कोई एक व्यक्ति, एक महान पुरुष जो विदेश गए हुए थे, और जब वो वहाँ गए तो उन्हें ये फूल जो है वो बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर लगा, तो उन्होंने एक पौधा वहाँ से वो भारत लेकर आ गए। और वो एक पौधा अब आप देख रहे हैं कि किस बेतरतीब तरीके से ये पूरे जगह पर फैल गया है। मतलब आप जितना ही इसे काटेंगे ये उतना ही बढ़ता जाता है। तो ये आपके विदेशज वनस्पति के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही साथ आप कुछ एक हम अलग अलग रंगों में देखेंगे, जैसे सफेद रंग की गुलाबी रंग में, या थोड़ी पीले कलर में एक जो फूल मिलता है, और ये भी आपको बहुतायत में देखने को मिलता है। और देखने में तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लगता है, जिसे आप कागज के फूल के नाम से जानते हैं। हाँ जी, ये कागज का फूल भी, कागज के फूल का ये जो पौधा है, ये हमारी देशज वनस्पति नहीं है, ये विदेशों से लाई गई है, और इसे हम विदेशज वनस्पति के अंतर्गत शामिल करते हैं। इन वनस्पतियों या पौधों के अलावा हम देखेंगे, अब विदेशज वनस्पति या पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक और बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे और ये आपको बहुत पसंद भी है। जब गर्मियों के मौसम आते हैं तो आप गंगा इमली से तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, और इसे आप अपने आसपास बहुतायत में देखते भी होंगे। नाम से तो ऐसा लग रहा है मानो ये हमारे भारतीय मूल का ही पौधा है, लेकिन नहीं, ये हमारे भारतीय मूल का पौधा नहीं है, ये विदेशों से लाया गया है। और इस गंगा इमली को मनीला टैमरिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक विदेशज वनस्पति का उदाहरण है। तो बच्चों, अभी हमने बात कर ली कि हमारे भारत जैसे विशाल देश में जो इतनी जैव विविधता पाई जाती है, और किस प्रकार की जैव विविधता देखने को मिलती है, इसके साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति क्या है, और देशज और विदेशज वनस्पति, वनस्पतियों में भी ये जो दो प्रकार देखने को मिलते हैं, वो उसमें हमने देखा कि देशज और विदेशज वनस्पतियाँ कौन सी हैं, और ये सभी जो हैं वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम जो अपने आसपास या चारों तरफ ही जब हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि इतनी सारी वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी हैं, मतलब औषधीय गुणों से भरपूर, जिसमें हमने तो कुछ की बात की, जैसे नीम है, तुलसी है, हम अश्वगंधा की बात करें, मतलब ऐसे ही बहुत सारी वनस्पतियां, उसकी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमने चर्चा की थी कि कुछ शंकुधारी वृक्ष, कुछ अल्पाइन वनस्पतियां, कुछ मैंग्रोव वनस्पतियां, तो कुछ कैक्टस जैसे कांटेदार या कटीली झाड़ियां, कटीले पौधे। तो इतनी विविधता एक ही देश में मिलने वाली वनस्पतियों में क्यों मिलती है? तो आज हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। भारत जैसे एक विशाल आकार वाले देश में हम कहें, तो यहाँ पर स्थलाकृतियों की बहुत ज़्यादा विविधता जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, वनस्पतियों पर आगे बढ़ने से पहले हम एक जो दो छोटे टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वनस्पतियों के संदर्भ में, या जीव समुदाय के संदर्भ में, उस पर भी हम बात कर लें। तो ये दो टर्म्स जो हैं, ये हैं आपके फ्लोरा और फौना। फ्लोरा, आप इसे याद कैसे करेंगे कि एक तो वनस्पति समुदाय से या पादप समुदाय से संबंधित है, और दूसरा जो है वो जीव समुदाय से। तो आपको याद रखना बहुत आसान है, फ्लोरा मतलब वनस्पति समुदाय या पादप समुदाय, फ्लोरा या फ्लावर से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो फ्लावर वनस्पतियों में ही पाई जाती है, तो ये आपके वनस्पति समुदाय से संबंधित है। और फौना, फौना जो है वो आपके एनिमल्स, या मैं कहूँ कि जो जीव समुदाय होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के साथ साथ आपके ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी एक नंबर के
प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं कि फ्लोरा क्या है या फौना क्या है। तो फ्लोरा वनस्पति समुदाय से संबंधित है और फौना जीव समुदाय से। अब जब हमने देखा कि इतने विशाल देश में इतनी जैव विविधता, मतलब जीव के बहुत सारे समुदाय और उतनी ही वनस्पति समुदाय, मतलब हमने बात की थी ना कि लगभग 47,000 प्रकार की जो वनस्पतियां हैं हमारे भारत में मिलती हैं और लगभग 90,000 प्रकार के जो हैं वो जीव समुदाय, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी जानवर ये सब हमारे भारत में मिलते हैं। तो जो इतनी विविधता फ्लोरा और फौना में पाई जाती है तो उसके कारण क्या हैं, क्या कारण है जिसके कारण इतनी अधिक विविधता इसमें देखने को मिलती है। तो इसके कुछ कारणों पर हम चर्चा कर लें कि ये विविधता क्यों पाई जाती है। तो उसमें भी सबसे पहला हम देखते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब कौन कौन सी टोपोग्राफी हमारे देश में मिलती है। तो पहले भी हमने बात की है, कुछ पठार हैं, कुछ पर्वत हैं, कुछ तटीय क्षेत्र, कुछ दलदली, कुछ मरुस्थल। तो आप इन सभी जगहों पर अगर घूमने जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पौधे जो वनस्पतियाँ उगती हैं उसमें बहुत विविधता मिलती है। जैसे कैक्टस के पौधे से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं और जब हम कैक्टस कहते हैं, इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में आता है एक मरुस्थली क्षेत्र या एक रेगिस्तान वाला हिस्सा जहाँ पर ये कैक्टस का पौधा आपको उगा हुआ दिखता है। और कारण यही है कि यहाँ पर बारिश कम होती है, मरुस्थली क्षेत्र है, जिसके कारण पौधे जो है वो अपनी वाष्पीकरण से पानी को बचाने के लिए इसमें पत्तियाँ नहीं पाई जाती और ये एक मोटे तने वाले कांटेदार पौधे होते हैं। अब जब हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि शंकुधारी वृक्ष, और जैसे जैसे हम और ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, मतलब 1,000 मीटर से जैसे हम 2,000 मीटर, 3,000 मीटर, 4,000 मीटर और उससे भी अधिक ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो इसमें भी हमें वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है। और ये आप इस पिक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कैसे वनस्पतियों में चेंज आता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब हम गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में आ जाएं, तो यहाँ पर आपको सुंदरी नाम के वृक्ष, या हम ये जो सुंदरी वृक्ष हैं ये मैंग्रोव टाइप की वनस्पतियों के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो डेल्टाई या दलदली क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मैंग्रोव वनस्पतियों की बहुलता देखने को मिलती है। तो स्थलाकृति जो है ये किसी भी स्थान में मिलने वाली वनस्पति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अलग अलग स्थलाकृतियों के अनुसार जो है वो यहाँ पर वनस्पतियों में विविधता देखने को मिलती है। वहीं हम पठारी क्षेत्र में आ जाएं तो कुछ झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्थलाकृति से वहाँ पर मिलने वाली वनस्पतियाँ मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं।